Okay, so we'll start with We'll revise output characteristics of a transistor. Output characteristics. It is little complicated, but what interesting thing hai. So you must be knowing by now, okay, when I say output characteristics of a transistor, we are talking about common emitter configuration. तो हम यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर स्टडिंग ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर इमीटर जंक्शन एंड इनपुट करंट सॉरी आउटपुट करंट वॉज कलेक्टर करंट आउटपुट यू आर लुकिंग एट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट एंड आउटपुट वोल्टेज इज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए. द थिंग इज कुछ चीजें आपको साथ में हमेशा लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे समझ में नहीं आएगा. सो वन थिंग दैट यू नीड टू नो, जब हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था तो इन दैट केस वी प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ बेस करंट, क्योंकि इनपुट करंट क्या था, बेस करंट, और इनपुट वोल्टेज क्या था, बेस इमीटर. तो वेन यू स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स you plot a graph of input current base current against base emitter voltage keeping output voltage VCE constant. Ab in this case when you want to study output characteristics you will plot a graph of output current IC against output voltage VCE keeping base current matlab input current constant. To ye cheez aapko pata honi chahiye कि यहाँ पे आप इस केस में बेस करंट को कांस्टेंट रखने वाले हो. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब पॉइंट नंबर वन, द थिंग इज यहाँ पे अगर मैं बेस करंट को, और बेस करंट क्या था, इनपुट करंट था, अगर मैं इनपुट करंट को कांस्टेंट रखता हूं तो जब इनपुट पे ही कुछ नहीं होगा तो आउटपुट पे डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग, नो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग. ओके, तो क्या होगा उस केस में, यू एक्सपेक्ट कि अगर बेस करंट जीरो है, मतलब इनपुट करंट जीरो है, तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए. तो यू विल गेट, एंड वेल उससे पहले मैं एक छोटा सा मार्किंग कर देता हूं, दैट इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू अस. तो मैं एक डमी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. ये डमी लाइन क्या है मैं समझाऊंगा आपको बाद में. दिस इज सम डमी लाइन, सिर्फ एक लाइन है, वो लाइन क्या है बाद में समझाऊंगा. तो यू विल नीड टू जस्ट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, दैट्स इट. ओके, अब एज आई टोल्ड यू कि अगर इनपुट करंट ही कांस्टेंट है तो आउटपुट जीरो होगा. तो व्हाट यू गेट इज यू गेट अ वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल करंट. ओके, एंड ऑब्वियसली ये जो स्मॉल करंट आपको मिला है, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो अगर बेस करंट ही जीरो है तो आउटपुट मतलब कलेक्टर करंट जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. गुड, देन ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज कट ऑफ रीजन. कट ऑफ, कट ऑफ मतलब ट्रांजिस्टर इज वर्किंग लाइक अ स्विच विच इज इन ऑफ स्टेट. ट्रांजिस्टर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्विच, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ. तो जब इनपुट पे आप कुछ देते नहीं हो तो आउटपुट पे कुछ मिलता नहीं है, तो ट्रांजिस्टर वर्क्स एज स्विच ऑफ, कट ऑफ रीजन. इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं. क्लियर यहां तक? इज दिस क्लियर? नाउ अब वॉट वी विल डू इज हम बेस करंट को बढ़ाते जाए. नाउ इफ यू इंक्रीज बेस करंट, वॉट डू यू सी? If you increase base current, base current मतलब input current, what do you see is ये जो graph है आपका more or less ये same है, सिर्फ ऊपर ऊपर shift हो रहा है. ऊपर ऊपर shift क्यों हो रहा है वो बाद में देखेंगे, right? तो अगर मेरा input current 10 micro ampere है, for example 10 micro ampere है, तो I get such a nature, right? मैंने और अगर base current को बढ़ा दिया, if I increase base current further, what I see is, sorry,
मैंने अगर और बेस करंट को बढ़ा दिया तो व्हाट आई गेट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो बेस करंट है ये मैं बढ़ाते जा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दिस बेस करंट। तो व्हाट आई सी कि नेचर इज मोर और लेस सेम, सिर्फ ऊपर 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 शिफ्ट होता जा रहा है। नाउ इफ यू सी, ये जो मैंने डमी लाइन ड्रॉ किया था उसका एक रिलेवेंस था, उसका एक इंपॉर्टेंस था। वो इंपॉर्टेंस ये है कि जो डमी लाइन है यहाँ पे, ब्लू कलर का लाइन है, अगर आप यहां तक देखोगे तो ग्राफ जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ जो भी मिल रहा है, इट इज मोर और लेस अ स्ट्रेट लाइन, है ना, लीनियर, लीनियर है, यस yes। और इस लाइन के बाद उसने कर्व लेना चालू कर दिया, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं जो लाइन है इट करस्पॉन्ड्स टू 0.3 वोल्ट, इट करस्पॉन्ड्स टू 0.3 वोल्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, इट इज 0.3 वोल्ट। तो इसका मतलब VCE आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जब तक 0.3 वोल्ट से कम है तो द नेचर इज लीनियर। लीनियर नेचर मतलब जैसे मैं VCE बढ़ाऊंगा वैसे करंट बढ़ेगा, है ना, y equal to mx, if I increase x, y will increase, right? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि करंट, कौन सा करंट, कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय VCE, कब तक, 0.3 वोल्ट तक, गुड। तो दो चीजें हमने अभी तक जो समझी है उसको नोट डाउन कर लेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, इफ बेस करंट इज जीरो देन कलेक्टर करंट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, इसका मतलब ये कट ऑफ रीजन में है। कौन कट ऑफ रीजन में है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बाद में बेस करंट बढ़ा सकते हो, बढ़ाते जाओ। बेस करंट मतलब इनपुट करंट, इनपुट पे कुछ दोगे तो आउटपुट पे कुछ मिलेगा, जब इनपुट पे कुछ भी नहीं दोगे तो आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। एंड यू कैन प्रूव दिस, हाउ, सिंपल थिंग, हाउ यू कैन प्रूव, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। डू यू रिमेम्बर हमने एक बीटा डिफाइन किया था विच वॉज कॉल्ड एज करंट गेन, और करंट गेन क्यों बोलते हैं ये भी वापस क्लियर हो जाएगा आज। ये है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ बेस करंट, राइट। इसका मतलब कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट, राइट। और आपको पता है बेस करंट कौन है, इनपुट है, राइट, और कलेक्टर करंट कौन है, आउटपुट है, और बीटा तो कॉन्स्टेंट होता है, इट इज अ कॉन्स्टेंट नंबर बिटवीन 500 to 900 थियोरेटिकली, ओके। तो अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं बेस करंट में तो कलेक्टर करंट में चेंज होने ही वाला है। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर आप एक डिवाइस को लगाने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिवाइस ऑपरेट करना है। जैसे सोलर सेल कहां लगाते हो, डिवाइस को, जैसे आप रेक्टिफायर कहां लगाते हो, डिवाइस को। तो अल्टीमेटली ये जो RL है, RL मतलब लोड, लोड मतलब किसका, कौन सा लोड, जो डिवाइस आपको ऑपरेट करना है वो लोड, उसका रेजिस्टेंस है RL, ओके। तो ये जो आउटपुट करंट है IC, यही तो लोड को जाएगा ना, क्योंकि आप ट्रांजिस्टर के इनपुट पे तो लगाने नहीं वाले ना आप डिवाइस कहां लगाओगे, ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे। आउटपुट करंट कौन सा था, कलेक्टर करंट। तो ये कलेक्टर करंट कहां जाएगा, लोड में जाएगा, राइट। तो फिर आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, राइट। कौन सा आर, आर एल, कौन सा आई, आई सी, यस, कलेक्टर करंट, क्योंकि ये है आउटपुट, आउटपुट यही है, और इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा, और आउटपुट है तो वी आउटपुट। व्हाट इज डेल्टा आई सी, बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा आई बी इनटू, करेक्ट, वेरी ऑब्वियस। अगर आई बी जीरो है तो आई सी जीरो है, और आई सी जीरो है तो आउटपुट भी जीरो है, गुड। देन लुकिंग एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये, जैसे जैसे आपने अब VCE की वैल्यू 0.3 वोल्ट से कम है, लेकिन फॉर डिफरेंट बेस करंट्स। तो अगर मैं और बेस करंट लेता हूं, इफ आई इंक्रीज बेस करंट फर्दर, तो व्हाट आई सी इज दिस कि 0.3 वोल्ट तक क्या हो रहा है, 0.3 वोल्ट तक ये हो रहा है
कि ग्राफ जो है लीनियर है, किसका ग्राफ, करंट और वोल्टेज का। तो इफ इफ आउटपुट वोल्टेज विच इज कलेक्टर इमिटर वोल्टेज इज लेस देन 0.3 वोल्ट, राइट, तो व्हाट यू सी इज द ग्राफ इज लीनियर, द ग्राफ इज लीनियर। और ग्राफ लीनियर होने का मतलब ये होता है दैट इज आईसी आउटपुट करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आउटपुट वोल्टेज, आईसी कैन बी कंट्रोल्ड बाय और इज कंट्रोल्ड बाय बाय वीसी, बिकॉज थोड़ा सा वीसी बढ़ाया करंट बढ़ गया, दैट इज व्हाई यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो मैथमेटिक्स के बिना नहीं समझ में आएगा, मैंने कल ही बता दिया था आपको, यू शुड रिमेम्बर वाई इक्वल टू एम एक्स, y equal to mx is a straight line passing through origin. You have so many y equal to mx type of lines here. छोटा थोड़ा सा x बढ़ा दिया y बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या, y is controlled by x. तो यहाँ पे भी वही है, ic is controlled by vc. कब तक, 0.3 वोल्ट तक, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 0.7 वोल्ट तक, why 0.7 वोल्ट, क्योंकि 0.7 वोल्ट अगर आपको याद होगा, अगर आपके पास सिलिकॉन का बेस मटेरियल है तो 0.7 वोल्ट का रिस्पांसिबल बैरियर पोटेंशियल, ओके, तो 0.7 वोल्ट अगर नॉर्मली बुक्स में ऐसे ही लिखते हैं, बुक्स में बोलते हैं आपको, इन बुक्स दे विल टेल यू इफ इफ VCE मतलब कलेक्टर इमिटर वोल्टेज इज ग्रेटर देन VBE और ब्रैकेट में लिख देते हैं 0.7 वोल्ट, मतलब अज्यूमिंग द होस्ट इज सिलिकॉन, ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 0.7 वोल्ट है, दिस इज बैरियर पोटेंशियल। अगर VCE ये VBE मतलब आउटपुट वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो क्या होना चाहिए, what will happen? No. अभी भी बेसिक्स के साथ नहीं चल रहे हो। इफ वीसी क्या बोला है मैंने यहाँ पे, वीसीई कलेक्टर इमिटर वोल्टेज इफ इट इज ग्रेटर देन बेस इमिटर वोल्टेज देन कलेक्टर इमिटर जंक्शन गोज टू रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, सैचुरेशन करंट। क्यों सैचुरेशन, क्योंकि रिवर्स बायस में जो भी करंट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, इजंट इट। रिवर्स बायस में करंट कहां से आया था, माइनॉरिटी, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर आपके पास माइनॉरिटी चार्जेस बहुत लिमिटेड है तो क्या होगा, सैचुरेट होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर VCE ग्रेटर देन VB हो गया देन कलेक्टर इमिटर जंक्शन becomes reverse bias, और एक बार ये reverse bias हो गया, तो आपको याद होगा कि reverse bias characteristics आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो याद करना पड़ेगा, there is no way out, आपको वो पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि reverse bias में तो हम current को नाम भी बोलते हैं reverse saturation current, बोला था कि नहीं, क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि पहले थोड़ा सा एकदम लिटिल वेरी लिटिल करंट यू गेट, थोड़ा सा करंट मिलता है एंड देन इट डायरेक्टली बिकम्स कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं एक तो रिवर्स बायस था तो रिवर्स करंट, ऊपर से सैचुरेशन करंट, करेक्ट। तो अगर VCE ये VBE से ज्यादा हो गया तो कलेक्टर इमिटर विल गो इन रिवर्स मोड में जाना, रिवर्स बायस होना मतलब सैचुरेशन करंट, और सैचुरेशन करंट होने का मतलब ये होता है, आपने यहाँ पे क्या लिखा, इफ VCE इज लेस देन 0.3 वोल्ट देन IC इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल कर रहा था, VCE, VCE कर रहा था ना कंट्रोल, लेकिन एक बार कलेक्टर इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया तो IC सुन ही नहीं रहा है, VCE व्हाट VCE इज डूइंग, VC is increasing, but current is not increasing, right? तो बोलता है तुझे जितना बढ़ना है तो बढ़, I am not going to increase. 0.3 volt से पहले क्या था? IC was controlled by VCE. तो VCE was the master.
एंड आईसी वॉज द स्लेव, तो जैसा बोलेगा मैं वैसा बिहेव करूंगा. बट आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर विच पॉइंट, वी सी ग्रेटर देन वी बी ई, बिकॉज कलेक्टर इमिटर जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में आपके पास सैचुरेशन करंट होता है, तो सैचुरेशन करंट मतलब करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, करेक्ट. तो अब ऐसा है कि आईसी सुनने को रेडी नहीं, डजंट केयर वीसी की कुछ भी वैल्यू हो, यूसी की कुछ भी वैल्यू हो, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है. तो कंट्रोल कौन नहीं कर रहा है, वीसी कर नहीं पा रहा है, राइट. तो फिर अभी वो बोलेगा कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, तो किसी और की हेल्प लेंगे. किसकी हेल्प ली फिर, देखा व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे. करंट बेस करंट मतलब कौन सा करंट, इनपुट करंट. तो क्योंकि वीसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है अब, आईबी. जैसे ही आईबी की वैल्यू बढ़ाई तो आईसी भी बढ़ गया. देखो पहले आईबी की वैल्यू जीरो थी तो आईसी कम था, फिर आईबी की वैल्यू बढ़ाई तो आईसी बढ़ गया, फिर वापस से आईबी की वैल्यू बढ़ाई तो आईसी बढ़ गया, फिर वापस से आईसी बढ़ गया. इसका मतलब जब वीसीई ग्रेटर देन वीबीई है, तो इन दैट केस वीसीई इज नो मोर कंट्रोलिंग आईसी, बट आईबी इज कंट्रोलिंग एग्जैक्टली. तो ये आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो दिस. सो इन दिस केस, इन द थर्ड केस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये थर्ड केस था, ओके. सो IC is no more controlled by VCE, but now IB controls IC. Clear यहां तक. और इसको बोलते हैं active region. इसको बोलते हैं हम लोग active region. एक्टिव रीजन में करंट सैचुरेशन होता है, ओके. करंट का होता है सैचुरेशन, लेकिन रीजन को बोलते हैं एक्टिव रीजन. दिस इज नोन एज एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर. इसको बोल देते हैं एक्टिव रीजन. क्यों एक्टिव रीजन, क्योंकि यहां पे करंट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. हियर करंट इज गेटिंग एम्प्लीफाइड. हाउ कम, आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, मैं और बता देता हूं. You see, as I told you, the delta IC is beta times of delta IB. और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि delta IB जो है ये micro ampere के रेंज में आता है. Micro लिखा भी है, micro. Example, 10 micro ampere मतलब 10 power minus 5 ampere. Example, अगर ये 10 power minus 5 ampere है, beta की वैल्यू मैंने आपको अभी अभी बताई कि beta की वैल्यू 500 से 900 होती है. मैं 100 मान लेता हूँ, जस्ट फॉर अ सेफर साइड, या तो 1000 मान लो, वन ऑफ दीस टू आपके ऊपर है. 100 मान लेते हैं. हाउ मच इज दिस, मतलब कितना मिली एम्पियर. इनपुट करंट कितना था माइक्रो एम्पियर में, आउटपुट कितना मिला मिली एम्पियर में. हुआ करंट एम्प्लीफिकेशन, यस. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, बिकॉज इन द एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर इज बेसिकली एम्प्लीफाइंग करंट. लेकिन सिर्फ करंट तो एम्पलीफाई नहीं हुआ ना, क्यों नहीं. लुक, वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय आउटपुट, वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय आउटपुट करंट. तो आरएल तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने डिवाइस लगा दिया. फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर यूज करना है, तो उसका तो सर्किट चेंज नहीं करने वाले आप, उसका तो लोड फिक्स है ना, लोड रेजिस्टेंस फिक्स है. तो आरएल क्या है, फिक्स है. एम्पलीफाई कौन हुआ, करंट हुआ. तो एम्पलीफिकेशन किसका होता है, करंट का होता है. लेकिन साथ साथ में आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन आउटपुट करंट विच इज एम्पलीफाइड, तो आउटपुट वोल्टेज भी हो गया एम्पलीफाइड. गुड. तो लुक हियर, लिखा यहाँ पे एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज, और क्या लिखा है, बीटा डेल्टा आई बी आर एल लिखा गया हमने, बीटा डेल्टा आई बी आर एल. तो दिस इज हाउ यू अचीव करंट एम्पलीफिकेशन. गुड. अब एक लास्ट रीजन रह गया. What happens if अगर बेस वोल्टेज ये इमीटर वोल्टेज से और कलेक्टर वोल्टेज से दोनों से ज्यादा हो गया. If बेस वोल्टेज इज ग्रेटर देन इमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर वोल्टेज, तो दोनों के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, दोनों के दोनों. Then both junctions
both junctions become forward bias, become forward bias. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए, आउटपुट जंक्शन रिवर्स होना चाहिए, यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गए, राइट। तो इस केस में ट्रांजिस्टर हम यूज ही नहीं करते, तो वो जो रीजन आता है ना उसको बोलते हो सैचुरेशन रीजन। उसमें करंट सैचुरेट नहीं हो रहा है, वो रीजन ऐसा है कि जिसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गए, लेकिन करंट एम्पलीफिकेशन के लिए इनपुट फॉरवर्ड होना चाहिए था, आउटपुट रिवर्स होना चाहिए था, दोनों फॉरवर्ड हो गए। तो ये जो रीजन है, ये रीजन व्हाइट लाइन के इस तरफ का रीजन, इसको आप बोलते हो सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। इसमें करंट का सैचुरेशन का कोई मतलब नहीं है, इट इज जस्ट सैचुरेशन रीजन, नाम दिया रीजन को। तो जब फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया, सैचुरेशन रीजन हो गया, मतलब हम इस मोड में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट नहीं करने वाले। दिस इज व्हाट इट मींस। सो यू हैव कट ऑफ, यू हैव एक्टिव एंड यू हैव सैचुरेशन। इन एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, इसलिए इसको एक्टिव बोला है, एक्टिव है, वो एक्टिवली करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। इज दिस क्लियर, राइट। तो अब एक लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि यू हैव टू बेसिकली नो अ पैरामीटर कॉल्ड एज गेन। होता क्या है, देखो द थिंग इज, इसको थोड़ा सा आप हीट इंजन के साथ कंपेयर करो। हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंजन होते हैं और उसमें आप इनपुट देते हो एज अ हीट और आउटपुट लेते हो वर्क। तो मेरे पास अगर दो इंजन है, मुझे कंपेयर करना है, तो मेरे पास एक पैरामीटर है विच इज कॉल्ड एज इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या करेगा, दो इंजन को कंपेयर करेगा। मैंने दोनों में सेम हीट इनपुट दिया है लेकिन दोनों में से अलग अलग वर्क आउटपुट निकल रहा है, राइट। जिसमें से ज्यादा वर्क आउटपुट होगा वो हाईली इफिशियंट होगा, जिसमें से कम होगा वो कम इफिशियंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में, फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, दोनों में फिक्स क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, एक का रेंज ज्यादा है, एक का रेंज कम, रेंज मतलब माइलेज हियर, राइट। तो you define a parameter called as efficiency to differentiate between two types of heat engines, two types of two heat engines basically, okay। similarly aapko agar do transistors ko differentiate karna hai to you need a parameter which is called as gain, it is similar to efficiency। wahan pe bhi kya tha, output upon input, yahan pe bhi jahan jahan pe ye word sunoge gain, gain is output upon input, आउटपुट अपॉन इनपुट। सिर्फ वहां इंजन के केस में था हीट इनपुट, यहां पे हीट इनपुट है क्या, नहीं। अब यहां पे या तो आप बोलोगे वोल्टेज इनपुट, मतलब इनपुट वोल्टेज, और वोल्टेज आउटपुट, मतलब आउटपुट वोल्टेज। जब वोल्टेज वोल्टेज की बात करें तो गेन कौन सा हो गया, वोल्टेज गेन। और आपको पता है, अब डिपेंड करता है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आप ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे हो। हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, हम देख रहे थे कॉमन इमिटर। तो कॉमन इमिटर में आउटपुट वोल्टेज था VCE और इनपुट था VBE, सिंपल, ओके। और नोटेशन, एज फार नोटेशन इज कंसर्न, इसको लिखते वक्त वोल्टेज गेन को लिखते हैं AV, आउटपुट वोल्टेज इज VO, इनपुट इज VE, VI, okay। This is how you write it down, simple। So output voltage is input voltage into voltage gain, simple। अब अगर मैं current gain की बात करूं, if I talk about current gain, तो current gain क्या होगा फिर, output current upon input current, output current upon input current। और मैंने आपको बताया था output current, what is output current, IC, what is input current? मैंने बताया था आपको जब हमने बीटा डिफाइन किया था, मैंने बताया बीटा इज गेन, करंट गेन है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज करंट गेन, राइट। तो जो अल्फा डीसी और बीटा डीसी डिफाइन करते हैं, उसमें से जो बीटा डीसी था वो था गेन, ओके, करंट गेन। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एंड आई होप नाउ इट इज मच मोर क्लियर how output characteristics are working, okay। what is the, why you get such a nature, kaun sa region mein kya ho raha hai, IV zero, input zero, output zero, cut off, then you see ki jab tak VCE ki value 0.3 volt se kam hai
तो ग्राफ इज लीनियर, इसका मतलब आईसी इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाई वीसीई। फिर 0.3 से 0.7 वोल्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, 0.3 से 0.7 वोल्ट में देखो नॉन लीनियरिटी अचीव हो गई, कर्व हो गया, और जैसे ही वीसीई ये 0.7 वोल्ट मतलब वीबीई से ग्रेटर हो गया तो देन आउटपुट आउटपुट जंक्शन, कौन सा आउटपुट जंक्शन, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, बिकम्स रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट होता है सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब वीसीई इज नो मोर एबल टू कंट्रोल आईसी, राइट। फिर कौन करेगा कंट्रोल, आईबी, क्योंकि फिर मुझे आईबी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और आईबी की वैल्यू जैसे चेंज करोगे तो आईसी भी चेंज होगा। फिर आखिरी रीजन आता है सैचुरेशन, जिसमें दोनों जंक्शन इनपुट आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, तो देन द रीजन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ आपको पता नहीं होना चाहिए। सिंपल एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, मे बी इफ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें ज्यादा होगा, ठीक है, बट एज फार एज फिजिक्स में इसका इतना ही है, सैचुरेशन रीजन यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इन वन लाइन, दैट्स इट, खत्म, गुड। नहीं भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम विद इट, गुड। देन वी स्टार्टेड विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एक है एनालॉग सिग्नल, एक है डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल मतलब क्या था, अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, जस्ट लाइक साइन वेव, साइनसोइडल, जस्ट लाइक एसी सिग्नल्स। इफ यू रिमेंबर एसी सिग्नल में क्या होता है, एसी सिग्नल इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, वैल्यू ऑफ द सिग्नल, अभी सिग्नल क्या बोल रहा हूं तो करंट या फिर वोल्टेज, वैल्यू ऑफ द सिग्नल गोज फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम, देन गोज टू जीरो, देन नेगेटिव मैक्सिमम, देन गोज टू जीरो, देन पॉजिटिव मैक्सिमम, सो ऑन सो फोर्थ। तो जो एक कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल होता है इसको आप बोलते हो एनालॉग सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है दिस इज कॉल्ड एज एनालॉग, एनालॉग सिग्नल। और जो सर्किट्स एनालॉग सिग्नल पे वर्क करते हैं उसको बोलते हो एनालॉग सर्किट। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल यू विल सी ट्रांसफॉर्मर इस काइंड ऑफ एनालॉग, ओके। और बाकी एसी सर्किट हमारा देखना बाकी है, वो एसी सर्किट चैप्टर में आएगा। देन यू हैव डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल में मतलब क्या है, सिग्नल है या नहीं है इज वन थिंग, यू हैव इधर हैव सिग्नल और यू डोंट हैव सिग्नल, देयर इज समथिंग एट इनपुट और आउटपुट और देयर इज नथिंग। Here we don't talk about कि वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, जीरो छोड़ के कुछ है क्या, उसको बोलते हैं हाई, और उसको बोलते हैं या तो डिनोट करते हैं 1 से। तो यू हैव सिग्नल और यू डोंट हैव सिग्नल। इफ यू हैव सिग्नल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वॉट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नल, इसकी वैल्यू 5 वोल्ट हो सकती है, 2 वोल्ट भी हो सकती है, 4 वोल्ट भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट इज अगर सिग्नल है तो हम इसको बोलते हैं हाई या डिनोट करते हैं 1 से, अगर सिग्नल नहीं है तो इसको हम बोलते हैं लो और डिनोट करते हैं 0 से। तो ऐसे सिग्नल्स को बोलते हो डिजिटल सिग्नल, और जो सर्किट डिजिटल सिग्नल यूज करता है उसको बोलते हो डिजिटल सर्किट। एंड द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल सर्किट्स इज कॉल्ड एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। एग्जाम्पल कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल्स, ओके। अब ऐसा है कि डिजिटल सिग्नल्स को जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं लॉजिक गेट। वाई लॉजिक गेट, मैंने कल बताया था। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिक गेट्स। वाई लॉजिक गेट्स, बिकॉज द आउटपुट इज टोटली गवर्नड बाय, टोटली प्रिडिक्टेड बाय, गिवन बाय, टोटली कंट्रोल्ड बाय। ये जो सर्किट है इसका जो आउटपुट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट एक ही होगा, तो इट हैज वन आउटपुट, इट हैज वन और मोर इनपुट्स। इसका इनपुट में एक या एक से ज्यादा होंगे लेकिन आउटपुट में एक ही होगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पे प्योरली वी विल बी डीलिंग विद वन एंड जीरो। सिग्नल है तो वन, सिग्नल की वैल्यू क्या, आई डोंट केयर, है तो वन, नहीं है तो जीरो। तो 1010, when you deal in ones and zeros, it is called as Boolean algebra. तो ये जो
सर्किट्स है इसको बुलियन सर्किट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे ओनली डील विद वन एंड जीरोस और वन और मोर इनपुट्स, मैं इसको नाम देता हूं ए एंड बी। आउटपुट पे क्या होगा वो इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज प्रिडिक्टेड बाय मैथमेटिकल लॉजिक। 12th का पहला चैप्टर आई थिंक मैथ्स पार्ट 2 का मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें बहुत कुछ सीखा होगा, निगेशन सीखा होगा, कंजंक्शन सीखा होगा, डिसजंक्शन सीखा होगा। यस, तो ये जो सारे के सारे आपके पास मैथमेटिकल लॉजिक थे वो मैथमेटिकल लॉजिक आपको बताते हैं कि आउटपुट पे क्या आने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉजिक गेट बिकॉज द आउटपुट इज गिवन बाय मैथमेटिकल लॉजिक। गुड, देन अब आपके पास इन टोटल 6 टाइप के लॉजिक गेट, 6 टाइप्स। तो और वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक। पहला गेट है आपके पास नॉट गेट, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसा है, पहले तो इसका नोटेशन समझ लो, सिंबल मतलब सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल इज जस्ट अ ट्रायंगल विथ अ सर्कल एट वन ऑफ द वर्टेक्स एंड देन इसका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, ए एंड वाई, राइट। अब जो जो कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट के और आउटपुट के वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इज अ टेबल ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो अब ऐसा है, मेरे पास इनपुट पे है ए, आउटपुट पे है वाई। अब मैं अगर हाई इनपुट देता हूं, हाई इनपुट मतलब आई एम गिविंग सम इनपुट वन, आई डोंट केयर 5 वोल्ट है 10 वोल्ट है जो भी है, हाई है सम इनपुट एंड आउटपुट इज जीरो, एंड इफ इनपुट इज जीरो आउटपुट इज वन, मतलब से क्या निगेट किया, जो बोला उसका उल्टा किया, इनपुट पे जो है उसका उल्टा, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉट गेट और इन्वर्टर, राइट। दिस इज द ट्रुथ टेबल और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंपल, वाई इज इक्वल टू ए बार। As I told you, bar does not mean vector here. It is just कि आप input का उल्टा कर रहे हो, negate कर रहे हो उसको. Then दूसरे number का gate हमने देखा था. Second gate is OR gate. और OR gate में होता ये है कि OR gate में दो input है और एक output है. इसको सिर्फ denote, इसका जो circuit symbol है, it is something like this. तो दिस इज सर्किट सिंबल फॉर OR गेट। और OR गेट का अगर आपको ट्रुथ टेबल देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दो इनपुट है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, यू विल हैव 4 कॉम्बिनेशंस ओवर हियर, ए बी आउटपुट वाई, 0 0, 1 0, 0 1 एंड 1 एंड 1। तो आउटपुट अगर आप देखोगे तो 0 1 1 एंड 1 आता है। इसका मतलब लिखते वक्त लिखना तो पड़ेगा ना, तो कैसे लिखोगे, आउट OR गेट इज अ लॉजिक गेट इन विच आउटपुट इज हाई। कब है हाई? इफ ईदर ऑफ द इनपुट इज हाई, कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए, राइट। देन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी, 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is not 2 here, it is 1. Because I told you this is Boolean algebra. Okay, then you have a third type of gate which is AND gate. Or AND gate mein, wapis se you have 2 inputs and 1 output. तो यू हैव 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें सिर्फ चेंज होता है सर्किट सिंबल और ट्रुथ टेबल, और अफकोर्स यहां पे काम करते हैं इसका जो सर्किट सिंबल है इसमें यू यूज अ डी। ओके, तो यू यूज अ डी हियर, गुड। इन दिस केस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिकम्स ए इंटू बी। तो ए इंटू बी बोल दिया तो बहुत सिंपल है, 0 0 0 and 1। तो इन दिस टाइप ऑफ लॉजिक गेट आउटपुट इज हाई इफ एंड ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई, दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो ही आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज जीरो होगा, ओके लो होगा अदरवाइज। देन यू हैव
you after this you have the case of NOR gate. NOR matlab not of OR. So you have next type which is NOR gate. Fourth, you have NOR gate. NOR, as I told you, is not of OR. Not of OR मतलब basically सिर्फ आपको यहाँ पे एक extra circle दिखाना है. Extra circle दिखाना है मतलब हमने क्या किया, simple हमने दो gates को combine कर दिया, किसको OR और NOT को. मतलब in reality what is happening, in reality which basically मैं पूरा नहीं draw करने वाला, you have to refer books. बेसिकली क्या कर रहे हो आप एक और गेट लगा रहे हो, इसका जो भी आउटपुट होगा उसको नॉट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास कंप्लीट सिंबल. इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, ये टाइमर हटा देते हैं और ये जो सर्कल है इसको सीधा सीधा और गेट के बाद लगा देते हैं, हो गया नॉर गेट. ओके, दिस इज नॉर गेट. एंड ऑफकोर्स यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इसने और कर दिया और नॉट ने नॉट कर दिया, मतलब और गेट के आउटपुट को निगेट कर दिया, उल्टा कर दिया. तो उल्टा कर दिया मतलब ए प्लस बी बार, राइट. तो इसका मतलब अगर आपको याद होगा 0 1 1 1 को ये कर देगा 1 0 0 एट 0, राइट. हाँ, तो इस केस में आउटपुट इज हाई इफ एंड ओनली बोथ द इनपुट्स आर लो. This is what you get, है ना? अब इसके बाद आपके पास है कौन सा गेट, NAND गेट. इसके बाद आएगा NAND गेट. तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज NAND गेट. फिफ्थ नंबर इज NAND गेट. यहां पे ये AND का निगेशन है. AND का निगेशन है मतलब ये Y इक्वल टू A इंटू B का बार होगा. मतलब ये बहुत सिंपल सा काम है. वन जिनको नहीं ध्यान, सिर्फ जहां पे वन था उसको कर दो जीरो, जहां जीरो थे वहां कर दो वन. तो 1 1 1 0 मतलब आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई. आउटपुट इज लो 0 इफ एंड ओनली बोथ द इनपुट्स आर हाई. लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग is exclusive OR, XOR. Okay, तो exclusive OR gate वैसे इतना डिटेल नहीं देते, those who are doing electronics you will need, but जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है as far as physics is concerned वो सिर्फ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं और दिखाते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन डाल देते हैं, it becomes exclusive OR. तो OR with one extra line is exclusive OR. होता क्या है, होता इतना ही है. इफ यू लुक एट ट्रुथ टेबल ए बी वाई, तो यू हैव बेसिकली 0 0 1 0 0 1 एंड देन 1 एंड 1. तो ये 0 1 1 एंड 0. तो आउटपुट इज हाई इफ वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई, नॉट बोथ. दोनों के दोनों जीरो तो आउटपुट जीरो, दोनों के दोनों वन तो भी आउटपुट जीरो. ईदर ऑफ दिस हैज टू बी हाई, बोथ कैन नॉट बी हाई, राइट. तो अब इसका आपको ट्रुथ टेबल प्रूव करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग. तो ये उसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है. तो देखो क्या होगा, इमेजिन. अब पहले तो मैं ये टेबल बाद में लाऊंगा, पहले लाइन्स कहां से कहां जा रही है वो देख लो. ए सीधा गया यहाँ पे, ये यहां पे गया और ये क्या है, नहीं ये नॉट है हमारा, ठीक है. लेकिन डायोड है, लेकिन डायोड क्या कर रहा है, नॉट कर रहा है ना. तो कौन सा गेट है, नॉट. तो ए आया और नॉट ने यहां को ए का बार बना दिया, इन्वर्ट कर दिया. गुड, यहां से आपके पास बी सीधा फेड हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास बी. तो ये कौन सा गेट है, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. तो ए बार इंटू बी. सिमिलरली ये बी आया, ये नीचे का जो इन्वर्टर है इसने बी को इन्वर्ट कर दिया और यहां से ए लाइन जा रही है सीधा
नीचे के एंड गेट को, तो ये आ गई ए, तो ये क्या करेगा ए इंटू बी बार, ये आ गया आपका आउटपुट पे ए बार इंटू बी, ए इंटू बी बार, ये कौन सा गेट है, और क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा कि नहीं, किया ऐड ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। और यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और में लिखते हो ए प्लस बी, एक्सक्लूसिव और में लिखते हो ए प्लस लेकिन इनसाइड सर्कल बी, तो सिर्फ नोटेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ए प्लस इनसाइड सर्कल बी। ओके, अब एक ट्रुथ टेबल, एक कोई भी हम केस वेरीफाई कर लेंगे, सो टेल मी विच केस डू यू वांट टू वेरीफाई, सेकंड, ठीक है सेकंड, तो ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 0 ले ली, 1 यहां पे आके हो गया 0, ये 0 यहां पे गया 0, 0 इंटू 0 इज 0, वेरी गुड। अब ए 1 था, 1 यहां पे आ गया, ये बी 0 था, बी का इन्वर्ट होके भी 1 आ गया, 1 इंटू 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, राइट, so this is what you get, this is how it works, so these are the 6 types of gates, usme se bhi basic matlab basic building gates jo bolte hain hum log, basic blocks, this there are only 3 basic blocks, not or and kyunki nor ye not or se bana hai, nand ye and or not se bana hai, एक्सक्लूसिव और में तीनों के तीनों यूज हो गए, नॉट एंड और, तो देर आर ओनली 3 फंडामेंटल गेट्स, नॉट मतलब इन्वर्टर निगेट करेगा वो, और एंड क्लियर, गुड, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।